बाइक वाले सो गए। आज मेरा एक ही दिन है घूमने के लिए, तो आज मैं निकला घूमने के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था घूमने के लिए वो ये है नीम करोली बाबा, तो अभी मैं पहुँचा। तो इसलिए मैंने जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है मैंने होटल से नहीं करी, सीधा यहीं से आके करी है। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर की तरफ। और अभी जो जैसे कि आज वीकेंड है तो रश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी चलते हैं अंदर। वो मैं दिखाता हूँ, वह काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये नीम करोली बाबा का मंदिर, तो देख सकते हो कि गाइस कितना थोड़ा सा वो है, रश है। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, और देख सकते हैं कि यह काफ़ी भीड़ है क्योंकि वीकेंड है, तो काफ़ी लोग आए हैं। आज है सैटरडे और ये छोटी सी रिवर नीचे से बह रही है, और व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। काफ़ी लोग आ रखे हैं, नैनीताल घूमने आते हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पे भी आ ही जाते हैं लोग काफ़ी घूमने के लिए। और टूरिस्ट प्लेस है तो बनता भी है घूमना। तो शूज़ मैंने उतार दिए हैं, और देखते हैं अंदर चल के कि अंदर शूट करना अलाउड है या नहीं। अगर अलाउड नहीं होगा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ओह नहीं, अलाउड नहीं है। देखो वहाँ पे सामने लिखा हुआ है नो कैम, नो कैम। उधर लिखा है नो फोन नो कैमरा, तो उसके अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा इसलिए। तो मैं अभी जाता हूँ अंदर और हो के आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो अभी निकल चुका हूँ मैं मंदिर से बाहर, और अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया था। बट जो भी है ठीक है, अब नहीं पता मुझे मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, अब डिसाइड करूँगा। पहले जहाँ पर बाइक मैंने पार्किंग में लगाई है वहाँ पर चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कहाँ जाना है। थोड़ा लोकल से पता करूँगा कि कहाँ पर और ज़्यादा हमको जाना चाहिए। और चलता हूँ। ये काफ़ी प्यारी सी लोकेशन मेरे को लगी, मैं इस रूट से जा रहा था अभी, तो ये मेरी बाइक खड़ी, और इसके साथ में यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से है। काफ़ी प्यारा व्यू मेरे को लगा, काफ़ी दूर दूर तक के मेरे को वहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं। और इस रूट पे सिर्फ मेरे अलावा और मेरी बाइक के अलावा और कोई भी नहीं है, और सही है मतलब अभी तक का टूर। अब मेरा ये प्लान है कि मैं भीमताल से जा रहा हूँ नैनीताल की तरफ। नैनीताल में कोई स्नो पॉइंट है वहाँ पर जाऊँगा, जहाँ से कि पूरा नैनीताल का व्यू दिखता है। और तो रास्ते में मेरे को मतलब ऐसे ही चल रहा था मैं धीरे धीरे इस व्यू को एंजॉय करते हुए, तो ये वाली जगह मेरे को सही लगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुक गया था। और तो और थोड़ी सी प्यास लगी तो मैं कहीं रुक के पानी वगैरह पीऊँगा और उसके बाद चलूँगा। और अब मैं अपना यूज़ करूँगा एक्शन कैमरा। व्यू एक बार फिर से चेक करो, कितना प्यारा व्यू, और एकदम खाली सड़कें, एकदम सुनसान रोड, मौसम काफ़ी सही है, और काफ़ी फैमिली वो आई। मैं रुका हूँ अभी लेक व्यू पॉइंट पे, और मेरी बाइक ये खड़ी, और इधर कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ आइटम्स वगैरह हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ लेक, ये पूरा नैनी लेक यहाँ से दिख रहा है, और नैनीताल का व्यू दिख रहा है। ये खड़ी बाइक और ये रहा मैं, बिल्कुल सोलो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और उत्तराखंड की सड़कों पर तो बाइक में पहली बार ही चला रहा हूँ, ये नहीं पता था कि सोलो चलाने का मौका मिलेगा, बट ठीक है, ऐसे ही सडनली प्लान बन गया था तो आ गया। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देखते हैं और क्या क्या घूमने लायक, उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे।
ये है नैनी लेक और उधर की तरफ हो रहा है सनसेट और काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है इसे। और मैं हूँ अभी नैनी लेक पे और ये पीछे मेरा माल रोड, अभी थोड़ा बस ऐसे माल रोड पे घूम रहा था और बाइक मैंने अपनी खड़ी कर दी है होटल पे। पहले क्या हुआ, मैं वहाँ से घूम के आया, उसके बाद मैंने बाइक होटल पे खड़ी कर दी, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फेस वॉश वगैरह करके तब मैं दोबारा बाहर आया। तो बस अभी ऐसे माल रोड पर घूम रहा हूँ और उसके बाद फिर से कुछ खा पी के मैं होटल पर चले जाऊँगा, आज जल्दी सो जाऊँगा क्योंकि थोड़ा थक गया हूँ मैं इस वजह से। और काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी लोग आए हैं, मतलब काफ़ी पब्लिक आई हुई है और टूरिस्ट तो काफ़ी हैं, वीकेंड भी है तो इस वजह से काफ़ी थोड़ा ज़्यादा भी थोड़ा नहीं, थोड़ा सा तो रश है इसमें। तो अभी थोड़ा घूमते हैं और फिर चलते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम में और रूम क्लीनिंग के लिए मैंने बोल दिया था, वैसे इतना गंदा हुआ नहीं था बट स्टिल फिर भी मैंने बोल दिया था रूम क्लीनिंग के लिए। और अब मैं जो है मैंने बाहर से खाना खा लिया और अब मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर में ही। तो इस वाली वीडियो में फिर ये एंड करते हैं, इतना कुछ खास वीडियो था नहीं जस्ट बिकॉज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि सोलो जितना ट्रैवल करके एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो मैंने किया। उसके बाद वैसे इतना कुछ खास मैंने ट्रैवल किया नहीं, मतलब एक्सप्लोर किया नहीं है। तो फाइनली मैं अभी पूरा दिन घूम के अभी मैं अपना होटल में आ चुका हूँ और फिर कल सुबह मैं निकल जाऊँगा वापस दिल्ली के लिए। और सोलो ट्रिप ठीक है बट फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादा सही है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट और लास्ट सोलो ट्रिप है, अब इसके बाद शायद ही कभी सोलो ट्रिप पे जाऊँगा मैं और अभी के लिए तो बस इतना है। तो फिर इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा वापस नैनीताल से दिल्ली के लिए कल। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, बैठ सेफ।